हाँ ऐदा खड़ी है बिल्डिंग, एक घर बनया ते दरवाजे पुराने। अच्छा ओ आप पुरानी फिल्म देख रहे ना अभी थले चिमनी बनाई होंगी ना ओह बिल्डिंग है सारी है ना आहो ना ते पुरानी बड़ी है ना। सारे दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। दोस्तों अज थोड़ा नवी जगह दिखाने, जगह का नाम है जेजो। तो थोड़ा दिखाने जेजो शहर जो दुआबे पैंता है हुशियारपुर। इत्थे कहोजे घर से पुराने तकरीबन हुण तां नवें बन गए, पर मोस्टली सब तो ज़्यादा पुराने घर तुम दिखाने कहोजे सके। सारे दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। दोस्तों अज थोड़ा नवी जगह दिखाने, जगह का नाम है जेजो। तो थोड़ा दिखाने जेजो शहर जो दुआबे पैंता है हुशियारपुर। इत्थे कहोजे घर से पुराने तकरीबन हुण तां नवें बन गए, पर मोस्टली सब तो ज़्यादा पुराने घर तुम दिखाने कहोजे सके। अच्छा ये सारे पुराने घर है ना। तो दोस्तों इस पिंड च असल जो जेजो हैगा आ वह हैगा ये बहुत पुराने पुराने घर इत्थे दिखाने आ। बहुत पुरानी इमारतें आ है ना। तो देखो क्या बात है, तुम दिखाने अगे ये भी घर बहुत पुराना आ तकरीबन है ना। ये सारिया बिल्डिंगा तकरीबन अंग्रेजा के समय दिया आ। बल्ले बल्ले आप भी पहली बार आए इतने। क्या बात है, असल जेजो हैगा ये पिंड। आहो ना ये पुरानी बड़ी है ना। ये अंग्रेजों के समय दिया अपनी आई है, अपना पुराना शहर है जेजो है ना। अच्छा अच्छा पुराना पिंड अपने यही है, शहर नहीं मतलब पिंड जो भी अपना सी ना। अच्छा शहर सी अंग्रेजों के टाइम ते तगड़ा शहर सी जेजो ना। अच्छा ओ ये अच्छा जेजो दी पिंड दी। अच्छा ओ देखी मूर्ति कितनी बड़ी है, ओ दे मूर्ति ध्यान ना देख, ओ दे कितनी बड़ी बनी है ना, बहुत बड़ी बहुत पुरानी है ना, बहुत पुरानी। आ देखो मूर्ति कितना बनी है, हाथ ना बनी है। अच्छा हाथ ना बनी है ना, ओ कलाकारी आ मतलब शहर सीगा पहला है किसे टाइम ते। अच्छा अगे भी है इदा सारे ना भाजी कहते शहर किसी टाइम तो बहुत बड़ा तो अज जिन्होंने सिर्फ छोटा एक कस्बा कहते जेजो का। देख के वैसे लगता है काफ़ी तगड़िया बिल्डिंग इदा बनिया ना पुरानी। ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆ ਇਹ, ਕਾਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਆਰ, ਦਿਆਰ ਬਾਹਰਲੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਵਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾ ਕੋਣ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਣ ਨਾ ਮੱਖੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮੀਂਹ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ? ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਾ, ਆਈਡੀਆ 1900 ਸਦੀ ਚ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਵੈ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। नौ नौ बच्चे नौ बोले। अच्छा नालिया खड्डा शुरू हो गया ना हुशियारपुर दियाँ हुई दुआबे दी ना। बच्चे इधर आओ क्रैशर चल देना उरे। अच्छा आ भी बिल्डिंग बड़ी पुरानी है डबल मंजिल, क्या बात है। हिमाचल बाबा बागना पीन गा जी इधर चल इधर की आ। नौ बच्चे ओनू छेड़ना नहीं है जे गुस्से आ गया ना उन्हें कुटना बहुत। हाँ छेड़ना नहीं बच्चे ओनू नहीं छेड़ना, उन्होंने अपना काम करने तो जो करता है।
इधर देखो जी कितनी पुरानी बिल्डिंग, जिधर देखो जिधर नजर मारी उधर है बिल्डिंग खड़िया है ना, इतना ऊंचा हो गया पानी आंदा सी नलके। अच्छा ये पुराना नलका लगे होना, खूह है ये, देख लो खूह है, लग गए ये खूह है ना, मतलब इतनी ऊंची जगह उत्ते खूह बनया सीगा ना पुराना नलका, नलका दा नवा ही लगया है मतलब की खूह दे विच ना, मैंने की लगया नकला की है बहुत बिल्डिंग भी इधर पुरानी ना, आ मैं ज्यादा बड़ी लगती है ना आह वाली परे तक परे है ना, आ देखो जी कली कंध रही है ना, ऐदा खड़ी है बिल्डिंग, किसी टाइम पर जी इतने जगह का रेट बहुत ज्यादा होंगे सीगा, एक शहर होंगे सी जेजो, तो अज की रेट इतने जगह का, अज इतने गल घट्टो घट 5-6 हज़ार मरला, मतलब 5-6 हज़ार रुपये मरला जगह, बस जगह का कोई रेट नहीं है, जेड़ा किसी टाइम पर पूरा शहर सीगा, एक बच्चे इधर आओ शरारत नहीं करने बच्चे है ना, आ देखो जी पुरानी बिल्डिंग गुंबद बनया पुराना, इतने ना पाकिस्तान के जो पठान ज्यादा उन्होंने वासा सी, अच्छा आजादी तो पहला ना, मतलब पठान इतने रहते थे किसी टाइम पे, जिधर के सुने हैं जो तरीका है ना दस रहे लोग ना, अच्छा मतलब पठान इतने ज्यादातर अपना आजादी तो पहला रहते थे, बड़ा तगड़ा शहर सी, जिस तरह दस रहे हैं उस हिसाब के नाल उस हिसाब न मतलब कि 5 हज़ार रुपये मरला कहते हैं, तो मतलब भी 20 हज़ार ही सौगा जगह यही होगी ना, मतलब इन्ने तगड़े शहर का जरा तगड़ा देखो शहर सगा, मतलब वो वैल्यू कठे होगा को कोठे ना हो ही ना, हाँ और देखो जी तारा ध्यान रखो ना जा इधर बच्चे बच्चा ध्यान रखो, बट हाथ फड़ के रखो न्याणे का हाथ, न्याणे हाथ रखो फड़ के, बिल्डिंग उपर बेचारे बैठे आ अंदर ही आना बच्चे, डिग ए खत काफी जर जर है ना अंदर है ना, फूक फूक के पैर रखना पैंता, बिल्डिंग बाकी देखो ना बहुत पुरानी है, हाँ बच्चा बच्चा आ जगह देखो संत पाल दा जी पीरा दा निशान 786 ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਕੀ ਚਿਕਾਲਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਵਾਂਗਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਧਰ ਖੰਡਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਰ ਆ ਨਾ, ਫੜੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ना खड़ा है थले नहीं लाना, नहीं नहीं जंगली है ना थले नहीं लाना बच्चा, ओहो आ देखो जी घरां दा की हाल है ना, अंदर जाके देख सकते एक मिनट बहुत क्या बात है भी? देखो भी दोस्तों बहुत पुराना घर एक घर बनया ते दरवाजे पुराने, अच्छा ओ आप पुरानी फिल्म देख रहे ना भी थले चिमनी बनाई होंगी ना हिंदी फिल्मों के ना, बिल्कुल वही सैट है देखो, मतलब भी काफी तगड़े बंदे का घर सीगा जिहदा भी सीगा, आ उपर रोशनदान छड़िया होया कमरे मतलब कि
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜੱਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਨੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਜਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।